आखिर कौन है ये उइगर्स? उइगर मध्य एशिया क्षेत्र के अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, जो तुर्की से मिलती जुलती भाषा बोलते हैं। उइगर मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी चीन के शिंजियांग क्षेत्र में रहती है। शिंजियांग में लगभग 1.2 करोड़ उइगर मुसलमान रहते हैं। इसके अलावा चीन में और भी कई प्रताड़ित मुस्लिम हैं, जिनमें से कुछ कजाक, उज़्बेक, ताजिक और किर्गिज हैं। चीन पर उइगर मुसलमानों को प्रताड़ित करने के कई आरोप हैं। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि चीन ने बीते कुछ सालों में 10 लाख उइगर मुसलमानों को जबरन डिटेन किया है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने उइगर मुसलमानों की इबादत पर भी बैन लगा रखा है। इसके साथ वह उनकी मस्जिदों को भी नष्ट कर रहा है। इस साल अगस्त में यूएन राइट्स के प्रमुख मिशेल बैशलेट की एक रिपोर्ट जारी हुई, जिन्होंने चीन के शिंजियांग में उइगर मुसलमानों की हालत पर चिंता जाहिर की। रिपोर्ट में उइगर मुसलमानों को जबरन हिरासत में रखने, बलात्कार, यातना, जबरन मजदूरी समेत कई बातों का जिक्र था। चीन पर उइगर महिलाओं की जबरन नसबंदी और उइगर बच्चों को उनके परिवारों से अलग रखने के आरोप है। अमरीकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा था कि चीन उइगर मुसलमानों का नहीं बल्कि मानवता का नरसंहार कर रहा है। अप्रैल 2021 में ब्रिटेन की संसद में भी उइगर मुसलमानों पर चीन के अत्याचार का मामला उठा था। 2018 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति ने कहा कि उनके पास पुख्ता रिपोर्ट है कि चीन शिंजियांग में 1 लाख उइगर मुसलमानों को कैद किए हुए है। भारत और चीन के रिश्ते पिछले लंबे समय से खराब चल रहे है। चीन हर मौके पर भारत के खिलाफ बयानबाजी या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वोटिंग करता आया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भारत के एक कदम ने सभी को चौंका दिया है। चीन के शिंजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों के साथ हो रहे अत्याचार के मामले पर चीन के खिलाफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में प्रस्ताव लाया गया था। इस दौरान भारत ने वोटिंग से किनारा कर लिया। अब सवाल यह है कि चीन, जो कि हर मामले में भारत के खिलाफ खड़ा रहता है, उसके खिलाफ वोटिंग न करने से भारत को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा? आइए कुछ फायदे समझते हैं। चीन और भारत के बीच पिछले लंबे समय से रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे हैं। गलवान मुद्दे पर दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने थी। कई महीनों तक चले तनाव के बाद अब दोनों देशों ने सेनाओं को वापस लेने का फैसला लिया है। इस बीच चीन के खिलाफ वोट करके भारत फिर से रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। भारत का चीन पर ये रोक चीन की वन चाइना पॉलिसी को लेकर भी भारत का पक्ष को दिखाता है। शिंजियांग में चीन उइगरों के खिलाफ जो कुछ कर रहा है, उसमें भारत किसी भी तरह से शामिल नहीं होना चाहता। चीन के खिलाफ वोट न करने का कारण ये भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में भारत भी चीन से यही चाहता हो, यानी अगर भारत के खिलाफ कोई प्रस्ताव लाया जाता है, सकता है चाइना भारत की तरफ से खड़ा हो। कि चीन पर इस फैसले को अमेरिका के लिहाज से भी देखा जा रहा है। पाकिस्तान के साथ F-16 डील के बाद से ही भारत अमेरिका के खिलाफ खुलकर बोल रहा है। चीन की ही तरह भारत ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर भी वोटिंग से किनारा कर लिया था। श्रीलंका के खिलाफ ये प्रस्ताव आर्थिक संकट पर सुलह, जवाबदेही और मानवाधिकारों को लेकर पेश किया गया।